वेलकम फ्रेंड्स, आई एम पुष्पेंद्र धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। आज की वीडियो में आपको मैथ्स का लेक्चर देने वाला हूँ। इसमें आपको बताना ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, बताना बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, बेसिक्स अगर हमें पता हो तो हम बाकी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, जो नई नई चीजें कर सकते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा आज ट्रिग्नो में हम पहुंचते हैं। सबसे पहले तो जो ट्रिग्नोमेट्री जो हम यूज करते हैं वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल में यूज होती है हमेशा। जी हाँ, राइट एंगल ट्राइंगल। तो थोड़ा इसको समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे कि आपका कोई ट्राइंगल है, हमने सपोज कर लिया ये आपका कोई ए बी और ये सी, ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी। इसमें जो आपका बी ट्राइंगल है इसको हम 90 डिग्री का मान लेते हैं भैया, कि बी ट्राइंगल जो आपका कितना है भाई 90 डिग्री का है। अब ध्यान से देखिएगा, आपका इसमें बी ट्राइंगल 90 डिग्री है, तो आपका जो राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड होती है आपकी। जी हाँ, जो 90 के सामने वाली साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाती है। क्या कहलाती है, 90 के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस कहलाती है। इसके बाद बाकी दो साइड बचती हैं, इनमें से एक परपेंडिकुलर होती है और एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर और एक बेस होता है। अब इसमें कहने वाली बात है कि भैया परपेंडिकुलर कौन सी होती है और बेस कौन सी होती है। जनरली हम मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर साइड है और ये बेस है, ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि भैया ये जो खड़ी हुई साइड वर्टिकल है वो आपकी परपेंडिकुलर, और जो ओरिजेंटल है जो आपकी क्षैतिज रेखा ये आपकी बेस है, आधार है, ये आपका लंब, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है ये आपका एंगल पर। अब वो एंगल्स क्या होते हैं, देखो अगर आप एंगल ए लेंगे तो आपके लिए मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, एंगल ए के सामने वाली साइड जो होगी अपोजिट साइड जो होगी, इसके लिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर आपका बीसी होगा, और जो जो रेस्ट ऑफ दी साइड जो बची हुई होती है वो आपका क्या होता है बेस होता है। तो आपका बेस ये है, परपेंडिकुलर ये किसके लिए, एंगल ए के लिए। अगर अब आप क्या लेते हैं, एंगल सी लेते हैं, एंगल सी आपका ये, अगर आप इसको लेंगे तो इसको आप लेंगे तो आपका सी के सामने वाली साइड कौन सी, ए बी, तो आपका ए बी परपेंडिकुलर होगा और बी सी आपका बेस होगा। तो आप समझ गए होंगे कि आप जो एंगल लेते हैं उसके अपोजिट साइड जो होती है वो आपका परपेंडिकुलर होता है, और जो साइड बचती है वो आपका बेस होता है। तो सीधी सी बात क्या है, हाइपोटेनियस कभी चेंज नहीं होगा, राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड हमेशा आपकी हाइपोटेनियस होती है, बाकी बचा हुआ आपका क्या बेस या परपेंडिकुलर हो सकता है, डिपेंड करता है एंगल पर। अगर आपने सी लिया है तो इसके अपोजिट साइड इस ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और आपने अगर एंगल ए लिया तो इसका परपेंडिकुलर आपका बीसी होगा। तो ये तीन चीजें होती हैं, ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं राइट एंगल ट्राइंगल का पाइथागोरस थ्योरम लगती है। कौन सी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या होती है आपको बता देता हूं मैं, पाइथागोरस थ्योरम होती है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या होता है आपका ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अभी आपको बताया कि हाइपोटेनियस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, ये आपको बहुत ज्यादा यूज होगा आपका ट्रिग्नो में, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए पहली बात। अब आपका आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, आपका जो होता है छह आपकी जो होती है बेसिक्स ये ली जाती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। जी हाँ, आप देख लें जो मैंने आपके एंगल से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपका कॉट थीटा, टोटल आपकी छह चीजें ली जाती हैं, इनसे आपको मेजर किया जाता है किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में छह चीजों से मेजर किया जाता है कोई भी चीज, कोई भी चीज को नापना हो, वैल्यूज पता करनी हो, सब किस्म का है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आपके छह की छह चीजें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इन्हीं में आपका मेजर किया जाता है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं, इसको एक ट्रिक वाइज याद करते हैं, ट्रिक वो आपकी है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद तो आप ऐसे करके याद कर लीजिए भैया, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा नहीं, पी बी पी अपॉन एच एच बी, तो आपका पी अपॉन एच ही क्या, आपके तीनों पहले आइडेंटिटी साइन कॉस और ये टेन, जब तो आपका साइन थीटा क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस पी अपॉन एच, दूसरा क्या होता है आपका बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तीसरा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जी हाँ, टेन थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं पीवीपी अपॉन एच एच बी, ऐसे भी आप याद कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे कि भैया आपको ट्रिक होती है, जैसे आपको याद हो रही वैसे कर लीजिए। तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
अब इसके बाद ये तीन, इसके बाद जस्ट तीन इनकी अपोजिट होती है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और आपका ये कॉट थीटा। जी कोसेक थीटा जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, तो ये क्या आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस है, आपको हो जाएगा हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर। आपका कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है तो आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। आपका टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा आपको हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद करने की ट्रिक उल्टी हो जाएगी, ये आपका एच एच बी अपॉन पीवीबी हो जाएगा। हर हर बोले पंडित बद्री प्रसाद, तो जैसा भी आपको लगे। तो ये आपके बेसिक्स जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गए हैं आपको, जिसमें साइन कॉस टेन ये तीनों की वैल्यू आप याद रख सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले इससे साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो ये आपको बेसिक्स था, ये जो आपको जानना बहुत जरूरी है ट्रिग्नो के लिए। ये बहुत छोटी बात है लेकिन अगर यही आपको नहीं आएगा ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको सब समझ में आ गया, सीधी बात। तो इसमें आप देखेंगे आपको समझ में आ चुका है, हमेशा ट्रिग्नो जो होती है राइट एंगल ट्रायंगल्स में लगती है। इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, जैसे हमारे पास अगर परपेंडिकुलर है बेस है, हमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। अगर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस निकालना है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। कुछ भी हमें अगर हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका ये बेसिक्स क्या होते हैं इसके कंप्लीट होते हैं। तो आते हैं अपन देखते हैं इसमें साइन कॉस टेन थीटा हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। जैसे सपोज करो मुझे साइन, अभी साइन सी के लिए लेते हैं, साइन सी के लिए तो हमने एंगल सी लिया हुआ है, क्या लिया हमने एंगल सी लिया है। तो अब सी एंगल लिया हुआ है तो इसमें इसके अपोजिट कौन है, ए बी है। तो एंगल सी के लिए आपका भी ये परपेंडिकुलर कौन होगा, आपका ए बी होगा आपका परपेंडिकुलर, और बी सी आपका क्या होगा बेस होगा, बी सी आपका क्या होगा बेस होगा। देखते जरा इसमें किस तरीके से साइन सी क्या होगा, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका ए बी अपॉन में ए सी, ठीक है ए बी अपॉन ए सी। अब इसके बाद आपका दूसरा आता है कॉस सी, ऐसे साइन कॉस टेन और कॉसेक लिख देता हूं, कॉसेक साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और आपका कॉट। तो आपका साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपको हो गया ए बी अपॉन ए सी। आपका कॉस सी क्या हो गया, कॉस क्या होता है वही फॉर्मूला है कि ये पी वी बी अपॉन में एच एच बी, तो आपका पी अपॉन एच साइन थीटा हो गया। अब बी अपॉन एच बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है इसके लिए सी के लिए बेस क्या होगा बी सी अपॉन में हाइपोटेनियस क्या आपका ए सी। टेन सी लेंगे सी के सामने कौन है ए बी, तो परपेंडिकुलर ये बेस, टेन क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, तो आपका क्या हो जाएगा ये आपका टेन सी क्या हो जाएगा आपका ए बी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बी सी, ठीक है। कॉसेक क्या होता है साइन का अपोजिट होता है, साइन का इनवर्स कहते हैं, इनवर्स होता है, इनवर्स क्या होगा आपका ये आपका ए बी अपॉन ए सी क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस क्या होगा बी सी अपॉन ए सी, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए सी अपॉन बी सी। कॉट सी क्या होगा टेन का अपोजिट, टेन क्या है आपका ए बी अपॉन बी सी है, क्या हो जाएगा आपका बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो हमने किससे लिया सी एंगल से लिया, किससे लिया आपका ये सी एंगल से लिया। अब सपोज कि हम भाई ए एंगल लेते हैं, एंगल ए, तो आपका हो जाएगा साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए सेक ए और आपका कॉट ए। तो साइन क्या होता है भैया, अब ए के लिए एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर जो होगा, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा आपका बीसी होगा, ध्यान रखना एंगल ए के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या होगा बीसी, क्योंकि ए के अपोजिट में बीसी है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये आपका बचा हुआ बेस होगा। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर आपके लिए क्या होगा इस बार बीसी और हाइपोटेनियस क्या होगा आपका ए सी। इसके बाद कॉस ए क्या होगा, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस क्या है इसके लिए ए बी है, तो ए बी अपॉन में ए सी। टेन क्या होगा टेन ए, टेन आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है आपका वही परपेंडिकुलर बी सी है, बेस आपका ए बी है तो बी सी अपॉन में ए बी। कॉसेक क्या हो जाएगा साइन का उल्टा, क्या होगा आपका ए सी अपॉन बी सी, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस तो ए सी रहेगा वो चेंज नहीं होगा, और बेस क्या हो जाएगा आपका ए बी और कॉट क्या हो जाएगा टेन का उल्टा ए बी अपॉन में बी सी। इस तरीके से आपका ये फिनिश होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो आपको समझ में आ गया होगा।
तो बिल्कुल सिंपल था, बस प्रैक्टिस एक ही चीज करनी है आपको, पता होना चाहिए बेसिक्स, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि सपोज करो आपको कहा गया कि साइन ए इक्वल टू 3/5, आपसे कहा गया क्वेश्चन है आपका ये साइन ए कॉस टू 3/5 लिखा हुआ है और आपसे कहा कि भाई फाइंड करो कॉस ए, फाइंड करो क्या, फाइंड करो कॉस ए फाइंड करो और साथ में काम करते हैं टेन ए फाइंड करो, ये भी कह सकते हैं वो, और साथ में साइन सी और कॉस सी और टेन सी भी फाइंड करो, ये कह दिया आपको साइन ए दिया हुआ है 3/5, क्वेश्चन में कह दिया कि भाई कॉस ए फाइंड करो, टेन ए फाइंड करो, साइन सी भी फाइंड करो, कॉस सी भी फाइंड करो और टेन सी भी फाइंड करो। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमें क्या करना है, हमें तीन चीजें पता होना चाहिए, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो पहले वो चीज देखो, यहां पे क्या लिखा, साइन ए कॉस कितना लिखा 3/5, तो साइन क्या होता है आपका, साइन आपको होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना दिया ए के लिए, ए तो ए के एंगल है, तो इसके अपोजिट कौन सी साइड है आपकी, ए के अपोजिट कौन सी साइड है आपकी, बीसी साइड है, कौन सी साइड है बीसी, तो ए के अपोजिट में कौन सी आपकी बीसी साइड है, तो इसका मतलब आपका परपेंडिकुलर बीसी होगा ये। हाइपोटेनस कितना लिखा 5, तो हाइपोटेनस होने से 90 के सामने वाली साइड ये आपका 5 हो गया। क्या बचा, बेस, क्या फाइंड करना है हमें, बेस फाइंड करना है पहले, क्योंकि कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब हमें बेस चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो भाई हमारे पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, क्या चाहिए बेस चाहिए, तो इसमें रख दीजिए पहले, तो आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना आपका 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर और बेस हमें फाइंड करना है, तो 5 5 25, 3 3 9 प्लस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 - 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, 25 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 16 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे क्या आ जाएगा आपका रूट, तो बी का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, 16 का कितना हो गया आपका 4, तो बेस आपका कितना आ गया इसमें 4, इसके लिए बेस 4 आ गया, लेकिन जरूर नहीं है सी के लिए चेंज हो जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका तो बस होता है जो जिस हिसाब से आपको जो चीज गिवन होती है आप उससे वो चीजें निकाल लो, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कॉस ए क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो भाई साहब बताओ बेस क्या है आपका, आप देखेंगे बेस क्या है ए के लिए, ए के लिए अपोजिट कौन भाई बीसी, तो बीसी परपेंडिकुलर होगा, तो ए भी कौन है इसके लिए बेस, तो बेस कितना है 4 और हाइपोटेनस तो 5 रहेगा ही रहेगा, टेन ए के लिए, तो ए के लिए ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, तो आपका 3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता ही, तो क्या हो जाएगा 3/5। इसी के साथ साइन ए कॉस ए और टेन ए निकल गए, अब आपका आता है साइन सी कॉस सी और टेन सी, ये भी सिंपल, आप सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, सी के लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी मतलब 4 और बेस क्या होगा आपका बी सी मतलब 3 और हाइपोटेनस तो 5 ही रहना है, तो साइन सी, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन सी, सी के लिए परपेंडिकुलर कितना है 4, तो ये 4/5, ठीक है, कॉस सी के लिए बेस क्या है आपका 3 है, तो ये आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 3/5। टेन सी, टेन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो आपको जाएगा 4/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो सॉरी 3 आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। इस तरीके से आपको होप यू गाइस सिंपल एक एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको पुट करना होता है। सिंपल, अगर आपको वैल्यू नहीं गिवन है तो आप पहले पाइथागोरस थ्योरम से वैल्यू निकाल लो और फिर इसके बाद पुट कर दो। सिर्फ एक कांसेप्ट पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर और बेस किस तरीके से चेंज होते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है। इसी के साथ आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज जो होते हैं, रेशियो जो आपको मैंने बताया, ये सब आपके ये सब फिनिश होते हैं, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक करें वीडियो को एंड कमेंट करें आपको कौन सा टॉपिक चाहिए जिसमें मैं आपको वीडियो बनाकर दूं, तो आपने कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।